सुप्रभात। सुबह की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी पैरालंपिक्स में भारत के ऐतिहासिक जीत की, मथुरा में सीएम योगी के संबोधन की, तालिबान के समर्थन में आए पाकिस्तान को अन्य देशों की चेतावनी की और बुलेटिन के अंत में बात होगी अखिलेश यादव पर बीजेपी के तंज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सुमित अंतल ने रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता गोल्ड, भाला फेंक में भारत का तीसरा पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जावलिन थ्रोअर का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। सुमित अंतल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया है। उन्होंने सोमवार को पुरुषों के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, अब नील खेड़ा ने दिलाया देश का पहला स्वर्ण पदक। देवेंद्र झजारिया, योगेश कथुनिया ने जीता रजत, सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज से किया संतोष। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को झटका लगा है, चक्का फेंक में विनोद कुमार ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वह उन्हें नहीं मिलेगा। बता दें कि विरोध के बाद मेडल को होल्ड पर रखा गया था, अब फैसला हुआ है कि विनोद को वो मेडल नहीं दिया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक के तकनीकी प्रतिनिधि ने यह तय किया है कि विनोद कुमार डिस्कस थ्रो के लिए योग्य श्रेणी में नहीं आते। अब खबरें फटाफट अंदाज में। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतल ने जीता गोल्ड मेडल, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। पैरालंपिक जावलिन थ्रो में देवेंद्र झजारिया ने जीता सिल्वर, सुंदर सिंह गुज्जर का कंसे पर कब्जा। मथुरा में सीएम योगी बोले, पहले हिंदुओं के त्योहारों पर बंदिशें लगाई जाती थी लेकिन अब कोई बंदिश नहीं है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस अवसर का इंतजार काफी दिनों से था। एसडीएम के सिर फोड़ने वाले बयान पर सीएम खट्टर ने कहा, शब्दों का चुनाव गलत लेकिन कानून व्यवस्था के लिए सख्ती जरूरी। मेरा इस्तीफा मांगने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन होते हैं, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, बोले सीएम खट्टर। शिल्पा राज के रिश्ते पर दरार, दोस्त का दावा, पति को छोड़ा लग रहने की प्लानिंग कर रही शिल्पा शेट्टी, राजकुंद्रा के पैसों को छूना भी नहीं चाहती। जैकलिन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी, दिल्ली में ईडी ने 5 घंटे की पूछताछ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई के सपा ज्वाइन करने पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे अब अखिलेश यादव। मनीष सिसोदिया का आरोप, विज्ञापन और दमन के दम पर चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश में आज इस नकारा सरकार के कारण तिरंगे की आन बान शान को जो क्षति पहुंच रही है, यह यात्रा उसी सरकार को खाट फेंकने का संकल्प है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, कहा सीएम कर रहे हैं अच्छा काम। गोल्ड जीतने पर अवनी को 3 करोड़, सिल्वर जीतने वाले देवेंद्र को 2 और सुंदर को मिलेंगे 1 करोड़, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम होते कोरोना संक्रमण के नए मामलों के बीच स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक कक्षा के स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही 8 सितंबर से 6ठी और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकियों का स्वर्ग बनाता दिख रहा है। दुनिया के आतंकी संगठन अलकायदा का टॉप कमांडर अमीन उल हक भी अफगानिस्तान लौट आया, और वो भी काफी वर्षों के बाद। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम ने सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने में है सक्षम। पाकिस्तान की दुनिया को धमकी, एनएसए बोले तालिबान को फौरन मान्यता नहीं दी गई तो दोहराया जा सकता है 9/11। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, ट्विटर पर लिखा संविधान के अनुच्छेद 15 व 25 भी बेच दिए। पैरालंपिक अवनी लखेरा ने सोने पर लगाया निशाना, 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता गोल्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक्शन को बताया जरूरी, अमरिंदर सिंह बोले किसान विरोधी एजेंडा किया साफ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आगरा में केस दर्ज, भीड़ के साथ तिरंगा रैली निकाली थी। राजनाथ सिंह बोले अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर, सरकार सीमा पर से आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा के साथ भारत सरकार चाहती है कि वहां बने हालात का फायदा उठाकर देश विरोधी शक्तियां सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा ना दे सके। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।